श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पाद बंद रामदास अर्जुन गुरु बर श्री हर गोबिंद हर राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरबिंद जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच बकार तिन संतन कौ बंदना सिर चरणन पर तार एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच हुए वाहे गुरु जी की फतेह है बिघ्न बनासन सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, मैनू प्रबंधक वीरां वल्लों हुक्म होया है कि साड़ी कौम दे महान गुरु दे दर तों वरसाए हुए विद्या मारतंड ब्रह्म ज्ञानी तत बेते नाम रसीए सतगुरु पातशाह महाराज की कृपा दे पात्र संत ज्ञानी गुरजन सिंह जी खालसा जिहड़े दमदमी टकसाल के बारहवें मुखी होए ने, क्योंकि उन्हां दी बरसी अजे दो दिन पहला लंघी है। उन्हां दे जीवन के बारे थोड़ा बहुता जिन्ना कु तुसीं जाणदे हो ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣ, ਸਮਾਧ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਭਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਅਨੰਤੇ ਹੈ ਅੰਤਰਨਾਈ। ਸੰਤ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜੇ ਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇ ਆ। ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ,
गुरमुखों किते भुलेखा ना खाया जे ओ परमेश्वर दे प्यारे परमेश्वर स्वरूप हन। असीं ये भी दसम पातशाह दे पावन बचन पढ़ते हाँ, हर हर जन दी एक है बे विचार कशना है, जल त्यो बिच तरंग ज्यो जल ही बिख समाए। जिवें पानी दे विचों पानी दे बुद्ध दे पैदा होंदे ने, इसे प्रकार परमेश्वर दे प्यारे परमेश्वर दे विचों ही पैदा होए दुनिया नू सत नाल जुड़ के फिर ब्रह्म विच लीन हो गए। वो करते की हैं तो मेरे पातशाह कहते जिन्हें सास ग्रास ना विसरै हर नामा मन मंत तन से नानका पूर्ण सोई संत। जेड़े स्वास लेंदे हैं जेड़े आनंदी बुरकी मूँह च पाउंदे हैं उस परमात्मा नू चेते रखण उन्हां नू संत कहिंदे ने। जदों मैं ग्रास की गल पढ़दा ना ते मैनू अपना ते संत ग्यानी करतार सिंह दी मिलाप जी दी मिलाप दी गल चेते आउंदी है। सिंह साहब भाई साहब भाई राम सिंह जी मेरे छोटे वीर ने ओ मैनू नगर तो अपने नाल लै करके नारंगवाल संत बाबा करतार सिंह दी कोल लैके गए। मैं जाके फतेह बुलाई ते मैनू कहिंदे सिंघा दो गल्लां दा ख्याल रखी। ये उन्हां दा पहला लैसन सी। मैं बेनती की कि महापुरशो की पहला बचन तां इह कहा भी भाई मेरी गल मनी या ना मनी लेकिन बाबे ठाकुर सिंह ने बचन नूं मोड़ना नहीं। ये मैनू उन्हां हदायत की पहली सारिआं तों। ते दूजी गल इह कही एक श्लोक कंठ कर ला श्लोक काम क्रोधा लो मोह बिन सजाए अमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरदेव। मैनू गुरमा का बहुता बोध नहीं सी ते बेनती की महापुरश श्लोक कहदे लई पढ़ना है, कदों पढ़ना क्यों पढ़ना है। ते कहिंदे सिंघा तू जथे च रहना है इत्थे वन सवन्नी गुरदेव आपां पकवान देंदा है ते किते इह ना होवे कि इन्हां पकवानां दे नाल बाते पड़दा पै जाए। इह श्लोक नूं तां पढ़ना है कि पातशाह मैं इह अन्न खाधा है किते मेरे ते काम दा गलबा ना पै जाए, किते क्रोध हावी ना हो जाए, किते लोभ अहंकार इत्यादिक संस्कार मैनूं तंग ना करन। ते नाले कहन लगे एदा अनवे करके अर्थ समझ ला। मैं क्या जी मैनू ये नहीं पता भी अनवे की होंदा है। कहिंदे अनवे दा भाव कर प्रसाद गुरदेव काम क्रोधा लो मोह। मेरे पातशाह मेरे ते कृपा कर इहदे पंज विकार ने बिन सजाए अमेव ये मैनू तंग ना करन। ये उन्हां दी मैनू पहली सिख्या सी। तो गुरमुखो संत बनता कहदा आपां गुरु की बाणी विच एक पंक्तियां पढ़ते हाँ, सत संतोख होवे अरदास तां सुन सत बाले पास। गुरु की बाणी च भी पंक्तियां पढ़ते हैं बात पिता बिन बाल ना होई बिम बिना कैसे कपड़े धोई। बच्चे की उत्पत्ति वास्ते परमेश्वर ने एक नियम बनाया है माता ते पिता का संबंध। ना कले माता जी बच्चे नूं जन्म दे सकते ने ना पिता जी दे सकते ने। माता ते पिता जी संबंधा तो बच्चे का जन्म हुंदा है, भावे वह फकीर है भावे वह पीर है भावे कोई भी है, माता ते पिता दा होना लाजमी है। पर जिथे मनुखी शरीर वास्ते माता ते पिता दा होना लाजमी है ना उथे गुरमुखो संत भी दो चीजां दा बनदा है।
ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਸੱਤ, ਦੂਜਾ ਸੰਤੋਖ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੱਤ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਨਮ 1902 ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਖਾੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਮਹਤਾਬ ਕੌਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਰਸੀਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਵਲ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਲੀਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਨਾਮਾ ਕਹਿਤ ਲੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਚੀਤਨ ਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬੇ ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ, ਕਹਿ ਤਰਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਸ਼ੀਪੋ ਸ਼ਾਇਲ, ਰਾਮ ਨ ਲਾਵੋ ਚੀਤ, ਇਵੇਂ ਰਜਾਈਆਂ ਠੇਕੀ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਲੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਚੀਤ ਨੰਜਨ ਨਾਲ। ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ।
जिवें असीं बाबा नामदेव दी बाणी च इह वी दृष्टांत पढ़दे हां, आनी ले कागद काटी ले गुडी, आकाश मध्ये भरमियले, पंच जना सों बात बतऊगा, चीज सो डोरी राखियले, मन राम नामा बेदी अले, जैसे कन कराचित मांडी अले। इहदा भाव है भी जिवें एक सुनियारा अपनी दुकान ते गाहक नाल गल्लां भी करदा है, सोना भी घड़ी जांदा है, शब्द विच बहुत प्रमाण दिते ने बाबा नामदेव ने। वो कहिंदे बीबियां भैणां पाणी भरन जांदियां ने, खूब मड़का चुकिया सिर दे उपर, ख्याल मड़के वाले पासे भी अल ते अपनी सखियां नाल गल्लां भी करी जांदियां, मड़का डिगदा नहीं। जिवें एक बच्चा पतंग अड़ाउंदा अपनी माता नाल भी गल्लां करी जांदा भी माता जी मैनूं चाह दे जो, मैनूं रोटी दे दिओ, पर उह पतंग नूं डिगण नहीं देंदा। इस प्रकार महापुरश अपने पिता जी नाल खेती दा काम तां करदे ने, लेकिन वाहिगुरू वाले पासे तो मन उथान नहीं हुंदा। ये उन्हां दी सुभाष ही संस्कार सी। उहदा कारण कि इस पिंड दे विच दो इतिहासक गुरद्वारे सन, एक कलगीधर पातशाह महाराज नूं राय कले नूं नवाजण लई आए ने ना मेरे पातशाह ने इत्थे चरण पाए इस नगर विच, और इसे तरह साड़ी कौम दे महान संत सिपाही बाबा साहिब सिंह जी महापुरश, उन्होंने भी इस नगर विच चरण पाए, और उन्हां दो पवित्र स्थानां करके आम करके इस पिंड विच गुरमत दे समागम हुंदे रहिंदे सन। और समें नाल इन्हां दी शादी होई, पर चित करतार वाले पासे वल ज़्यादा है, संसार वाले पासे घट है। 18 साल की उम्र दे विच इन्हां दा आनंद कारज होया, और इन्हां दी धर्म पत्नी माता जी ने जीवन पर्यंत इन्हां दी आग्या च रही, आग्या च रह साथ दिता, और किसी प्रकार इन्हां दे काम विच उन्हां रुकावट नहीं पाई। जिवें एक जोत दे मूर्ति तन पिरकीए सोए, इस नियम की पालना की। इन्हां महापुरशां दे घर 21 साल की उम्र विच बेटे ने जन्म लिया, और उहदा नाम भाई करतार सिंह रखिया। 32 साल की उम्र दे विच इन्हां दे बेटे दा नाम, इन्हां दे घर दूजे बेटे ने जन्म लिया, उन्हां दा नाम भगवान सिंह रखिया। ते किसे ने पुछ लिया भी भाई गुरभजन सिंह तू नाम बड़े जीबो गरीब रखे ने, किसे दा नाम तू करतार सिंह रखिया है, किसे दा नाम तू भगवान सिंह रखिया है। ये कहन लगे बुजुर्गो मैं आम संसारक बंदा भुलण आ रहा, तुसी दसो भी करतार ते भगवान तों बिना होर है भी की। सारा कुछ करतार दा ना, सारा कुछ भगवान दा ना, इस करके मैं इन्हां दे नां तां रखे ने भी मैनू करतार ते भगवान चेते आवे। उस समय दे दरम्यान जदों ये 18 साल दे सन ते इन्हां दे नगर विच दमदमी टकसाल दे मुखी संत बाबा सुंदर सिंह जी पिंडरां वाले जिहड़े संत सिपाही सन वो आए, उन्होंने कथा कीती, इन्हां महापुरशां ने कथा सरवण कीती। इहो जिहा मन नूं तीर वजा, एक कथा की समाप्ति तो बाद बेनती कीती, महापुरशो मेरा चित चाहुंदा कि मैं तुसी मैनू अपने नाल रख लो। कहण लगे गुरमुखा ये बड़ा कम औखा, कहण लगा जी है तां औखा,
पर जे तुसीं गुरु अगे अरदास करो तो गुरु कृपा करके सौखा भी कर सकता है। इस प्रकार उस समय के दरम्यान उन्हां महापुरशां दे संपर्क विच आ गए और इत्थे टिके नहीं। उस समय के दरम्यान इन्हां ने फतेहगढ़ साहब, आनंदपुर साहब, पौंटा साहब की विशेष करके यात्रा की और मन बिन्या गया। उस समय के दरम्यान इन्होंने चमकौर साहब एक निहंग सिंह दे कोलों गुरबाणी की संथ्या की। बाबा गुरु ग्रंथ सिंह दे जीवन नूं वेखीए ना ये ओह जानन, लेकिन वह निहंग सिंह नाल बहुत प्यार करते सन, विशेष करके निहंग सिंह नाल। तो मैं कई ने पूछा भी ज्ञानी जी का कारण, मैं क्या भी उन्होंने संथ्या की उन्होंने महापुरशों को निहंग सिंह को, इस करके मन में आटोमैटिकली सरकार पैदा हो जाता है। और समय के चक्कर के नाल ननकाणा साहब की यात्रा की, जदों आप ननकाणा साहब के साके की गल करते हैं ना, उदों ये महापुरश अमृतसर साहब तो लाहौर के रस्ते ननकाणा साहब पहुँचे, तो साढ़े शहीदों का जो संस्कार होया ये महापुरश उदों उत्थे सन, संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा। उपरंत उन्हां दी संगत जरह करके गुरमुख दी विद्या प्राप्त कीती। 1930 विच जदों फगण दे महीने संत बाबा सुंदर सिंह महापुरशां ने अपना पंज भूतक शरीर ये बोपा राज त्यागना कीता, उदों कुदरती तौर पर महापुरशां दा आसन उन्होंने गुरद्वारे तो बाहर एक सरों के खेत विच अपना मंजा डवाया होया सी, क्योंकि उदा कारण महापुरशां ने पंज घंटे कथा की मोगे, लगातार पंज घंटे बोलना बड़ा औखा है उस मौके। अजकल वाकू साधन सन, स्पीकर नहीं सन, पंज घंटे लगातार कथा कीर्तन तो बाद जो स्टेज तो उतरे ना तो प्यास लगी, पानी पीता, जिवें आप सारे जानते भी बहाना बनता है, संतान के अंदर पानी भर गया। लुधियाने दाखिल होए, उन्होंने पानी वगैरह कढ़िया, पर जिहड़ा बीमारी का तत् सी वह अंदरों गया ना। उपरंत ये महापुरशां ने आख्या भी सानू तुसीं बोपा राज लै चलो, नाल डॉक्टर भी आए, उन्होंने दोबरा पानी कढ़िया ते महापुरश कहण लगे, गुरमुखो मेरा कुदरत दा नज़ारा वेखण नूं बड़ा चित करदा है, मेरा मंजा बाहर डाह दिओ। सरों का खेत सी, संत ज्ञानी गुरबचन सिंह खालसा उन्होंने कोल सन, ते दो पत्ते सरों के फुल दे माफ करना फुल तोड़ के, ते संत ज्ञानी गुरबचन सिंह खालसा नूं कहण लगे, सिंघा असीं कलगीधर पातशाह महाराज की बख्शिश तेरी झोली च पाउने आ, ते जिवें ये फुल खड़े ने ना इस तरह तू जीवन पर्यंत खड़िया रहेगा, तू कलगीधर पातशाह महाराज के दर की सेवा करनी है, असीं तेनू दो तीन सजा देंगे, एक परिवार का मोह नहीं करना, इस गल का विशेष तौर पर ख्याल करना। जिहड़े जथे दे सिंह विद्या पढ़न वाले होणगे ना, उन्हां नू गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे सिंह जाण के अपनी जान तो प्यारा रखना, दूसरा किसी प्रकार माया की इच्छा नहीं रखनी, तू गुरु का हो गया है, तेरिया लोड़ां की जिम्मेवारी उस गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नू गुरु नू है, सतगुरु पातशाह तेनू किसी प्रकार की कमी नहीं आन देंगे, और विचर के प्रचार करें
गुरु का तेरे सिर ते रहेगा। यह शहीद दी 1930 फगण के महीने संत बाबा सुंदर सिंह जी सचखंड प्याना कर गए और उन्होंने दशहरे से 100 तो वध अखंड पाठां की लड़ी चलाई कीते। उपरंत जिहड़ी महापुरशां ने कथा छड़ी सी उत्थों अगे उह कथा नूं संपूर्ण कीता। उहदे तों बाद महापुरशां ने लड़ी वर अपनी फिर कथा कीती। उपरंत इस गल का कोई जवाब नहीं, संत बाबा गुरबचन सिंह खालसा पंजोखरा साहब नूं बहुत पहल देंदे सन। जदों भी कित मौका मिलना तो चेचे तौर पर पंजोखरा साहब जाना और उत्थे लम्मा समा 6-6 महीने कथा करनी और उस नगर विच विशेष करके एक दंपति जोड़ा बाबा मेहर सिंह और उन्हां दी धर्म पत्नी माता जी, वो महापुरशां नूं विशेष उन्हां दा नाम सी चतर कौर। माता चतर कौर ते बाबा मेहर सिंह संत ज्ञानी गुरबचन सिंह खालसा दे बहुत अत निकटवर्ती प्रेमी सन। उपरंत उन्हां महापुरशां दे वचन की पालना करन वास्ते महापुरशां ने फिर तुर के प्रचार करना आरंभ कर दिता। पहली कथा दे विच इन्हां नाल 12 सिंह सन, दूसरी कथा के मौके 17 सिंह हो गए। जदों महापुरशां ने तीजी चौथी कथा आरंभ की उदों इन्हां दे 65 सिंह सन। इस प्रकार कदे अमृतसर साहब, कदे तरन तारण साहब, कदे खड़ूर साहब, इउं महापुरशां ने विचर विचर के प्रचार किया। और खास करके लैलपुर के इलाके जिहड़ा गुरद्वारा सिंह सभा सी ना, उत्थे महापुरशां ने लम्मा समा 2-2 महीने टिक के कथा की। उन्हां नाल इन्हां दा अत्यंत प्रेम सी। इउं विचरद्या विचरद्या महापुरश कलकत्ते गए, गुरद्वारा सिंह सभा है और कथा कीती। संगतां ने बड़ा प्यार कीता, तुर लग्या 25,000 रुपया, उस जमाने च बहुत वड्डी गल सी। 25,000 रुपया उन्हां गुरमुखां ने तुर लग्या महापुरशां नूं देना चाहिया ते कहिंदे गुरमुखो, तन गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह महाज सुख आसन वाला कमरा ना ये बहुता वधिया नहीं, ते मेरी बेनती है कि तुसी कृपा करके गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह महाज सुख आसन वास्ते कमरा तैयार कर लो। ये गुरु के पैसे गुरु की सेवा नूं सौंपदे हन। और 25,000 रुपया उन्हां नूं दे करके महापुरश पंजाब नूं रवाना हो गए। जिथे उन्होंने कथा की है ना, उत्थे उन्होंने कई गुरद्वारे सबाना की सेवा भी कराई है। जिहड़ा पंजोखरा साहब जिथे 8वें पातशाह महाराज ने गोंगे कोलों गीता अर्थ कराए, मैं आप जी नूं बेनती की उस अस्थान के नाल महापुरशां का अत स्नेह सी। और उस स्नेह विच राज की सी, ये मैं नहीं जानता, वह जन जां गुरु जाने। उत्थों का सरोवर और उत्थों के दरबार की सेवा कराई। हरगोबिंदपुर साहब जो जिले गुरदासपुर के विच है, उत्थों की सेवा सेवा महापुरशां ने आप कराई। इस तरह एक पिंड भाम है जिले गुरदासपुर विच, उत्थों के गुरद्वारे की सेवा महापुरशां ने आप सारे की हथीं कराई। इहदे तो इलावा जिले फिरोजपुर धीरा पत्रा पिंड है, उत्थों के गुरद्वारे की सेवा कराई। ये उन्होंने महापुरशां का सुभाव सी। त्यागी विरागी इन्ने सन
कि अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी जोधन सिंह बदानती ने मैनू अपनी जबान तो दसिया कि ज्ञानी जी एक बार साढ़े पिंड गए 150 विद्यार्थी असी दो सिंघां ने प्रोग्राम बना लिया ते दुकानदार दे कोल असी अपना सौदा लैण लई गए ते दुकानदार प्रेमी गुरमुख सी उह सानू कहण लगा सिंघो तुसी अजे बच्चे हो पैसों का लैण देण फेर कर लांगे पहला तुसी महापुरशां की सेवा संभाल करो जदों चले जाणगे फेर करा फिर आप हिसाब कर लांगे। दो हफ्ते रहे दो हफ्तों तो बाद वदांती जी कहिंदे कि असी 101 रुपया दे दस्तार संतां नूं भेट कीती वो कहण लगे गुरमुखो गुरद्वारे साहब की इमारत बनन वाली है दस्तार मैं अपने सिर ते सजाउणा है ते ये बाकी दी माया गुरद्वारे दे लेखे लग जाए तां कि मैं भी सफला हो जावां। 150 विद्यार्थी नाल है ते 100 रुपया मिलिया वह भी गुरुद्वारे दे देना ये उन्हां दे ब्रग सुभा की मिसाल है। साढ़े कोल किन्ने भी होना साडा मन नहीं भरदा साडा मन रजदा नहीं। एक बार महाराणे पटियाले की धर्म पत्नी जिन्हों राले वाली राणी कहते हैं उन्हें बेअंत लीड़े कपड़े महापुरशां नूं दिते स्टेशन ते बैठी सी महापुरशां कोल ते जिन्ने भी पदार्थ होण ते वंडी जाण ओ राणी राड़े वाली कहण लगी महापुरशक बेनती मेरी कहिंदे दसो बीबा जी कहिंदे जी मेरी मन दी भावना कि मैं कुछ तुहानूं देवां तुसीं अगे वंडी जांदे हो। कहण लगे भैण सारा कुछ इन्हां दा है कलगीधर पातशाह कहिंदे कि सब कुछ इन्हां दी कृपा नाल मैनूं मिलिया इन्हीं की कृपा ते सजे हम हैं नहीं मोसे गरीब करोर परे हैं। कहण लगे भैण जी जे बाजां वाले बापू ने आख्या ते मैं तां हाँ ही गुरु दे दर दा सेवक ये सारा कुछ इन्हां दा है इन्हां दी चीज़ मैं इन्हां नूं दे रहा मेरा तन ढकिया जदों लोड़ होवेगी उदों गुरु मैनूं होर देवेगा मैं भार कहनूं चुकां ये उन्हों का सुभा से जो कुछ भी आना वो गुरु की संगत को दे देना सुभा से। जिन्हां महापुरशां नाल मेरा परिवारक संबंध है उन्होंने कहन लगे करतार सिंह मेरे ते करजा बड़ा है मैनू 5,000 रुपया लिया के दे ते संत बाबा करतार सिंह जी ने अपने 22 तोले सोना खेमकन बेचिया होर पैसे लाए उहदे चों 500 रुपया घट सी ते तीरे पत्रे पिंड विच ये गुरमुख परिवार सी भाई जगीर सिंह और उत्थे आए ते कहन लगे गुरमुखो 500 रुपया घटदा है ते मेरी मदद करो। उन्होंने अपना बलद ते घोड़ा बीज करके संत ज्ञानी गोबिंद सिंह बाबा करतार सिंह दिते जदों पैसे संत करतार सिंह खालसा जी ने संत ज्ञानी गोबिंद सिंह नूं जाके दिते ना ते कहन लगे भाई करतार सिंह सारे तख्तां दे 1,300-1,300 रुपये की देख करा लिया मेरा करजा लै जाएगा ये उन्होंने संत ज्ञानी करतार सिंह परग की। और इन उन्हां दी अध्यात्मक दशा उच्ची सी कहिंदे भी पिंडें डेरे अन्न पानी दी जिहड़ा समान चाहीदा उहदे च कमी आ गई डेरे च घिओ है नहीं अन्न चोपड़ियां रोटियां पकाइयां ते सिंह कहण लगे भी महापुरश इन्ने त्यागी विरागी ने किवें चलेगा। इस तरह दियां सोचां करदे कहिंदे गुरमुखो चिंता ना करो अपना फिक्र कलगीधर बापू नूं है। एक स्वर्ण सिंह ठक्करवाल दे गुरमुख प्यारे होए ने जिहड़े जथे दे बड़े शरधालू ते पक्के मैंबर सन उहनां दा भरा ब्रह्मा दे विच सी
वो आया ते संतां कोल आ कह लगा भी महापुरशो मैं गुरु घर का दसवंध देना ते 1100 रुपया तुसी मेरे को प्रवान करो। संतां ने सिंघां नूं इकट्ठे करके आखा गुरमुखो हुण तां तुहानूं गुरु ते यकीन आ गया कि नहीं आ गया? तुसीं कहिंदे सी भी अपने कोल घिओ नहीं अपने कोल आ नहीं, उहदे ते विश्वास करिया करो ते नाल पंक्तियां पढ़ियां तू काहे डोले प्राणियां तुद राखेगा सिडन हार। उन्हां दी अवस्था सी। महापुरश मंजी साहब तो बाबे अटार लाए वाले पासे नू आ रहे सन, एक निहंग सिंह मिलिया ते कहिंदे फौजों मामला लैना फौजों मामला लैना है, ये निहंगा सिंघां दा बोला है दे दोगे? कहिंदे फौजों क्यों ना देंगे मैं तां तुहाडा दास हाँ। कहिंदे जी 100 दमड़ा लैना है, और उस मौके 100 दमड़ा उस निहंग सिंह की जेब च पाया तो वह जकारे छड़दा उतों चला गया। एक होर निहंग सिंह आया तो कहन लगा महापुरशो तुहाडे गल वाला फौजा ने चोला लैना है जिहड़ा तुसीं गल पाया है, वह चोला ला करके निहंग सिंह नूं दे दिता, और जिहड़ी हरमोनीए वाजे दे उपर फलकारी सी उहदे नाल बुक्कल मार करके महापुरखां ने कथा कीती। इन्ने निर्लेप सन, कई वार अपने विच बात पे तो हो जाते अपने उपर ही हो जाते ने। जदों साढ़े लीडरां विच मतभेद हो गया संत बाबा फतेह सिंह दे ते मास्टर तारा सिंह दे विच, ओह दोवें दे दोवें जथे धनौला नगर मालवे दे इलाके च आए, उत्थे आए संतां महापुरशां ने खलो करके सत्कार किया। कहन लगे धन भाग ने गुरु पंथ आया हुक्म करो। बड़ा सत्कार किया मास्टर तारा सिंह जी ते संत फतेह सिंह। कहन लगे महापुरशो असी एक दूजे की पंजाली थले आउण नूं तैयार नहीं, पर साडी दोवां वल्लों तुहानूं सुझा है ते जे तुसी श्रोमणी कमेटी ते श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान बन जाओ असी दोवें धरां तुहानूं मन्नांगे। अज आपां निक्की जी चौधर वास्ते गुरमुखो भरा नालों भरा मूँह वट लैंदा है, पर महापुरश कहण लगे गुरमुखो तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद मास्टर जी, पर मेरी जिहड़ी गुरु ने ड्यूटी लाई है ना वह गुरबाणी की कथा करनी गुरबाणी की कथा सिंघां नूं पढ़ाउणी ये मेरी ड्यूटी है, मैं पंथ दा सेवक हाँ, जो भी हुक्म करोगे मैं सेवादार बन के तुहाडा हुक्म मन्नांगा, लेकिन ये प्रधानगियां तुहानूं सौंपदियां ने मैं तुहाडा दोवां दा सत्कार करना है। और उन्हां नूं इस गल तों जवाब दिता भी मैनूं प्रधानगी की लोड़ नहीं। गुरु नाल किन्ने कु भेद होणगे। एक बलवंत सिंह जोगा नाम का सिंह मैं निजी तौर पर उन्हां नूं जाणदा हां, वह महापुरशां दे जथे दे विद्यार्थी सन, और उन्होंने कुछ समा गड़बई की ड्यूटी भी की। मैनू दो गल्लां उन्हां अपने अखी वापरियां विखाइयां सुनाइयां। एक तो कलकत्ते पाठ चल रहे सन, महापुरशां ने कपड़े ते घड़ियां सारे नूं दित्तियां। वह योगा जिहड़ा सी ना बलवंत सिंह योगा उन्हूं आम करके योगा करके बुलाउंदे सन, उहदे पिंड दा नाम योगा सी, बड़ा भोला ते प्यारा गुरमुख सी। वह कहन लगा भी मैं फलानी घड़ी लैनी, मैं आम घड़ियां नहीं लैनियां। ते संत बाबा गुरबचन सिंह खालसा ने वह पाठ कर रहा सी रौल आ रहे सी ते महापुरशां ने उहदी जेब विच आ के 500 रुपया पाया भी गुरमुखा जिहड़ी चंगी लगती उह लै लई, नहीं तो कह सकते भी तू तेनू कहदे पैसे दीए। रौ विचार उस बलवंत सिंह जोगा ने मैनू दस्सिया भी ज्ञानी जी एक बार असी लैलपुरियां दे बाग जिथे महापुरश हर साल 2 महीने रहिंदे सन,
और उत्थे भाई जवाहर सिंह गुरमुख प्यारे भाई प्यारा सिंह ये महापुरुषों के बड़े निकटवर्ती सन। 47 तो पहले जो हालात बदले वेखे ना तो संतां ने उन्होंने कहा भी गुरमुखो परमेश्वर नूं कुछ होर मंजूर है तो मेरा तुहानू सुझाव भी जे तुसीं इत्थों अपना कीमती जायदाद वेच के उस पासे वल लै लो ना लैलपुर वाले पासे ते चंगे रहोगे। उन्हां दी महापुरशां दी श्रद्धा सी और उन्होंने गुरमुखो बहुत सारे मरबे मैनूं गिणती भुल गई मैं तां नहीं ना लिया क्योंकि मैथों वध घटना कहा जाए उन्होंने तकरीबन 12 मरबे गंगा नगर आण के लै जिथे आपां कहिंदे लैलपुरियां दा बाग सारा समान उन्हां दा सुरक्षित हो गया और उन्होंने मुड़ के अहमदाबाद अपने कपड़े के कारखाने भी लाए। वह हर साल जथे के सिंगा की किरिया देंदे सन भाव लीड़ा कपड़ा जो कशहरे श्री माफ करना इस तरह चोले दस्तारा वगैरह ये महापुरश भाई प्यारा सिंह ते भाई जवाहर सिंह ये महापुरशां नूं देंदे रहे जथे की सेवा करते रहे। वह भाई बलवंत सिंह जोगा कहिंदा कि शाम का टाइम सी ते महापुरशां दे नाल मैं जाप साहब का पाठ करता जा रहा सा पंक्तियां आईया कि जाहर जूर है ते जदों ये मैं पंक्तियां पढ़िया ते मैनू कहण लगे जोगिया कलगीधर सामने आ गए ने मत्था टेक ला हुण ये गल अज कल नहीं कोई मनदा ये लोगों और जापदिया ने ओपरिया जापदिया हैं। वो कहन लगा भी मैनू ये नहीं समझ नहीं सी मूँह जबानी मैं जाप साहब पढ़ता सा ते मैं कह जी केड़े गुरु गोबिंद सिंह आ गए ने जाप साहब नबेल डिगे मेरी मुंडे मत सी। महापुरशां ने धरती ते थले सिर रख के नमस्कार कीती जदों मैं जाप साहब का पाठ संपूर्ण किया ते कहन लगे जोगिया बड़ा भोला है तू कलगीधर पातशाह दर्शना तो तुबा जा रह गया भाव ओ गुरु दे इन्ने निकट सन उन्हां दा गुरु दे प्रति इन्ना विश्वास सी इहदे नाल आपां तां गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह नूं मत्था टेक के ते जाण दी गल करदे आ ना ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 13 ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 13 ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਮੜੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ ਸੰਪਰਦਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਉੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ पर जेड़ा जेड़ी गल दी तुसीं मेरा नाम चुनिया ना जे मैनू पुछो तो इस मौके ये सन्मान दे योग संत बाबा गुरजन सिंह खालसा महापुरश पिंडरां वाले हन। ये गल इस गल च गुरमुखो एक होर पक्ष मिलता है संत बाबा ज्वाला सिंह दी भी वेखो वस्ता आपां चौधर खिच खिच के लैने आ ते संत बाबा ज्वाला सिंह कहण लगे ना भाई मेरे नालों ओह उच्चे ने आपां दूजियां नूं नीवां विखाउणे आ इत्थे संत बाबा ज्वाला सिंह होरां नूं नमस्कार करनी पड़दी है नहीं तो कहिंदे कि मैनूं पंथ ने वड्डा आख्या ते हां ही वड्डा ओह कहिंदे गुरमुखो तुहाडा धन्नवाद तुहाडा सत्कार पर मेरी राय मन्नो ना
ਤੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਈਏ, ਜਦਕਿ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਜਥਾ ਰਖੋਵਾਲ ਆਇਆ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਕ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹਾ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਉੱਧਰ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਸੀ, 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਛਹਿਰੇ ਪਰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਇਕਦਮ ਹਲਚਲ ਹੀ ਮੱਚ ਗਈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਿੰਘ ਮਗਰ ਭਜੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸਣ ਲਵਾਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸਣ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਥੜਾ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੰਗਤਾਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਿਖੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਦ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੇਤ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਲਪਾ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਤੰਡਾ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਵਾਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ। ਹੇਤ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇਤ ਚਰਚਾ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜਾਲਪਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਥੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾਲਪਾ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ, ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਭਲਾ, ਸਭ ਜੱਗ ਭਲਾ, ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਭਨਾ ਵੇਖੇ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਰੇ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੋ ਭਲਾ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੁਰੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜਥਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਥਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕਬੂਤ
ਸਤੱਤਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੂਣ ਤੇਲ ਅਦਰਕ। ਦੂਜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤਿੱਤਰ ਇਹਨੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਭਲਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖਾ ਘਿਓ ਤੇ ਕਰ ਕਸਰਤ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਲਵਾਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਿੱਤਰ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਘਿਓ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੇੜਾ ਭਲਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਦੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦੁਰਯੋਧਨ ਬਾਹਰ ਨਿਗਾਹ ਵਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਨਾਲ ਚੌਂਗੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਚਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾ। ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਖ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਤ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਰੱਖੀ ਗਰੀਬਣੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਦਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਝਾੜੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਅਤੇ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ ਹਾਂ, ਝਾੜੂ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਵੇਖ ਵੀ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੋਹਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਦਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਆਂ ਸਰੋਪਾ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਰੋਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਉਹ ਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਬੈਲ ਚੱਟਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਤਗਿਰੀ, ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ। ਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਹਰਖੋਵਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਥਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਗੰਢੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਫੜਨਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ,
जथेदार करपाल सिंह जी जेडे अकाल तख्त साहब के जथेदार भी रहे, हरिमंदर साहब के हैड ग्रंथी भी रहे और 40 तो लै करके 86 तक उन्होंने धन गुरु रामदास पातशाह दर की सेवा की। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है गुरमुख जीवन। उस गुरमुख जीवन के विच भी उन्होंने इस घटना का जिक्र किया जी मैं तुहानू साझी कर लगा, जिस बंदे नाल वापरी ना भाई बलवंत सिंह जोगा नाल, मैनू निजी तौर पर उन्हें खुद भी दसिया। तो इस गल की पुष्टि ज्ञानी कृपाल सिंह जी ने उस गुरमुख जीवन के विच भी की है। वो ये है कि एक बजुर्ग महापुरशां नाल गल्लां करदा सी, वो बलवंत सिंह जोगा कहिंदा है भी मैनू संत कहण लगे, भाई बलवंत सिंह जोगिया साढ़े वास्ते लंगर लैके आ। मैं लंगर लैके आया महापुरशां दे कोल, जदों मैं लंगर लैके पुजा ना तो उन्हां बजुर्गां नूं कहा भी महापुरशो तुहाडे लई लियाईए। वो कहिंदे नहीं गुरमुखा, असीं इह लंगर नहीं छकदे, असीं नाम दा लंगर छकदे आ, नाम दा। वह भाई बलवंत सिंह जोगा जी कहिंदे कि मैं महापुरशां दे अगे प्रशादा पानी रख दिता, तो मैनू कहिंदे जोगिया इन्हां नूं विदा करिया। शाम का टाइम सी, जब मैं थोड़ा जिहा विदया करन गया तो मेरी अखां तो दूर हो गया। कहन लगे भाई विदया कर रहे हैं, मैं क्या जी थोड़ा जिहा बाहर जाते दिसे ने, मुड़ के नहीं मैनू पता लगा। तो कहिंदे बलवंत सिंह मैनू तो इउं जापदा है कि जिवें परमात्मा आप ही आया होवे। दुख सुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख, ये दुख ते सुख शरीर का सुभाव हन। महापुरशां नू अधरंग का रोग हो गया, डाक्टरां कोल गए, कुछ आराम आया, पर इस रोग ने पक्के तौर पर खड़ा नहीं छड़िया। नाल साह का दौरा पै जाना, संत ज्ञानी ये तो कम मुखा भराओ। सो रौ बचार एक बिना की गल है, किसी प्रेमी ने पूछा भी महापुरशो तुसी वचन करो तो रोग दूर हो जाता है, पर तुहाडे ते क्यों? कहिंदे गुरमुखो ये रोग तानू है मेरे मन नूं नहीं। कहण तो भाव के वह गुरमुख जान अपने शरीर तो परां सन, उन्हां नूं शरीर की पकड़ नहीं सी। और अपने पिंड की मैं एक उन्हां दी हड बीती सुनावां। मेरे नगर आए पूरे कोने, ये परमेश्वर का भाणा गुरु की मौज। साढ़े नगर वक् वक् परिवार ने महापुरशां का लंगर किया जदे संगत का, तो जिन्हां दे घर जाण वह कहण जी साढ़े भुजंगी नहीं अरदास कर दिओ। महापुरशां ने अरदास कर देनी। इस मौके मेरे पिंड दे कोल एक अमरकोट नगर है और उत्थे भाई ददार सिंह लंबरदार मेरे पिंड चो ताया जी लगते ने, पहला भूरे रेंदे सन, मुड़ के उन्होंने जमीन इत्थे बहुती बना ली ते इत्थे आ गए ने। वैसे पिंड उनका पूरा कोना ही है। उन्हां दे घर लंगर सी ते संत बाबा बरन सिंह खालसा कहण लगे भाई करतार सिंह ये लंगर कादे लई कीता है? कहन लगे जी इन्हां दे घर बेटा नहीं, अरदास करो। तो संत ज्ञानी बनू सिंह खालसा ने अरदास की, पातशाह तेरे कर की घाटा है, पुत्ती गंढ पवे संसार, पुत्र दी दात बख्शो। ते लंबरदार ददार सिंह कहन लगा करतार सिंह भाई तू ये की कम किया, तेरी तो भरजाई ठीक नहीं।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੰਬਰਦਾਰਾ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਚੰਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸ ਲੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਾਡੇ ਤਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਂ ਪਰ ਨੌਂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਤਾਣ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਤਾਣੇ, ਮਾਣ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਮਾਣੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਜੰਤ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫੜਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਸੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਘੇਰੀ ਬਾਹਰ ਸੱਚੇ ਨਾ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਜੰਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੰਘੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੁਆਫ ਕਰਨਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਜਥਾ ਕਲਕੱਤੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਸੀ, ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈ, ਅਮਰ ਛਕ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੜੀਸਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੜੀਸਾ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਪੋਥੀਆਂ ਲੀੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਰਬਸਦਾਨ ਦੀ, ਸਰਬੰਸਦਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਧੇਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਚੋੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਰਬੰਸਦਾਨ ਦੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਜਥਾ ਵਿਚਰਦਾ ਵਿਚਰਦਾ ਮਹੀਤੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਸੀ। ਹਨੇਰੀ ਬੜੀ ਆਈ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਉੱਡਣ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਦਸਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਘੱਟਾ ਉੱਡਣ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੰਜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੜਕ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਚਾਹੇ ਮੰਜਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ,
इन्हां निक्कियां निक्कियां गल्लां लई गुरु की परख नहीं करी दी हुंदी। महापुरश जगरावां तों अपने पिंड अखाड़े नूं जा रहे सन ते कोई रब दे प्यारे महापुरश वह गड्डी ते लंघे ते जे सिंह दा मैं जिक्र कीता ना बुलंद सिंह जोगे दा बड़ा बेपरवाह आदमी सी उहनूं इह नहीं सी पता लगता भी गल करनी कि नहीं करनी। कोल दी लंघण लगे ते मिट्टी पई तो अपने सुभाव के मुताबिक आख्या भी वड्डे संत बने फिरदे जे लोकां कोल गड्डियां दे तुहाडे कोल रेड़ा भी नहीं टांगा भी है नहीं। कहण लगे बुलंद सिंह इन्हां निक्कियां निक्कियां चीज़ां दी मंग नहीं करी दी गुरु कोलों। तन भूमिका जो करे गमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान। ओ भलिया तू सानू इस तरह दी ठोकरा ना मार त्रिलोकी मुठ्ठी च है त्रिलोकी मुठ्ठी च पर गुरु की आग्या नहीं। कहण तो भाव कि संत बाबा गुरबचन सिंह खालसा दे जीवन बारे जे कोई पुछे ना तो मैं ये समझिया तान हुंदे हुए नताणा माण हुंदे हुए नमाणा अणहोंदा आप गणाए ये उन्हां महापुरशां दा जीवन सी और इस माया तो जिंदगी पर्यंत वो निरलेप रहे। जदों दूजा दौरा पिया ये 15-14 जून नत्र दी गल है तो कहिंदे सिंगो सारे जथे दे सिंघां नूं बुलाओ जिहड़े लागे सन वह आ गए। संत टोल आ के लम्मे पए सन कहिंदे गुरमुखो कलगीधर पातशाह महाराज दे हुक्म दे मुताबिक आपां नूं गुरु ने इकट्ठिया कीता है मैं तुहाडा सेवादार हाँ किसी गुरमुख प्यारे दे मन नूं कोई ठेस लगी होवे ना ते मैं तुहाडे कोलों माफ़ी मंगदा है तुसीं असीस दिओ मैनू कलगीधर पातशाह महाराज अपने विच अपेद कर लैणा अपने चरणों विच अपेद कर लैणा। इन्नी गल कह के महापुरशां ने गुरमुखो फतेह बुलाई सचखंड प्याना कर गया। एक वेरां दी घटना मैनू चेते आ गई पटना साहब वह परमेश्वर के प्यार नाल किन्ना कु प्रेम करते सन जिहड़ी मैं बेनतियां कर रहा ना जिहड़े निंदक लोग ने उन्हां ए पॉइंट कढ़ने ने इहदे विचों भी उहदा कारण हुंदा ना जिहड़ा कां है ना उहनूं मोती चंगे नहीं लगते जिहड़ा हंस है वह चीणा नहीं चुकता। कां की सोच है विष्टा फरोलना जिहड़ा हंस है उहदा काम है मोती चुगना। हंसा हीरा मोती चुगना बग बपड़ा डड्डा भरन जाई जिहड़ा बगला ना वह डड्डू खांदा है वह मोतियां दा गाहक नहीं। गुरु साडे ते मेहर करे किते असीं मोतियां दे गाहक बन जाइए किते असीं नेकी दे गाहक बन जाइए ये साडे वस दी बात नहीं ये साढ़े ते गुरु कृपा ता ही हो सकता है। संत बाबा सोहन सिंह जी जिहड़े विधि चंद संपर्दा दे जथेदार होए ने उन्हां च एक बहुत बड़ा गुण सी वह लंगर च सेवा बड़ी करदे सन अपने हथी। जथा पटना साहब गया तो वह महापुरश लंगर च प्रशादा पकारे सन संत बाबा करतार सिंह खालसा छकारे सन क्योंकि शरीर इन्हों का साथ नहीं दिता बड़ा कमजोर से कह लगे महापुरशो तुसी दो प्रशादे छगले तो होर ना छको मुड़ के परेशान हो गए। कह लगे करतार सिंह मैनू पुछे तो मैनू इं जापदा जिमें रब प्रशादा मैनू छका रहा है। संत कह लगी तुसी कथा करते हो ये तुसा की कह दिता केंद्र गुरमुखा आप पढ़ते हाँ हर का सेवक हर ही जे आ भेद न जाणो मानस दे आ। भाई करतार सिंह मैं इस गल करके गया है जदों 300 साल कलगीधर पातशाह महाराज का प्रकाश दिहाड़ा आया उदों उतों के प्रबंधकों ने उन्होंने सरोपा दिता तो परे दवान में संत गुरबचन सिंह जी खालसा कहन लगे गुरमुखो आप कलगीधर पातशाह महाराज 300 साल प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं
हर एक गुरमुख प्यारे ने यथा योग आपो अपने ढंग नाल सेवा की है। सतगुरु पातशाह सारे की सेवा थाए पाउण पर कुदरता नहीं मैं राणा राव ना को रै रंग न तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई न बंधे धीर तुसी सारे जानदे जैसे जल ते बुद्ध बदा उपजे बिनसे नीत मेरा शरीर हुण साथ नहीं देंदा। और मैं इस पावन पवित्र दिहाड़े दे उपर जेड़ा मैनू गुरु घर वालों सरोपा मिलिया ये जथे दे सिंह मैं भाई करतार सिंह दे गल विच पाउणा ते कलगीधर पातशाह दे चरना च अरदास बेनती करदा पातशाह कृपा करी मेहर करी जिवें मेरे को गुरमत प्रचार ते सिंघां नूं पढ़ाउण दी सेवा लई होना इसे तरह इस भाई करतार सिंह तो भी लवी जेड़े नाल जथे दे सिंह सन कहन लगे सिंघो भाई करतार सिंह तुहाडे सारे नालों छोटा है तुसी वड्डे हो ते वड्डियां दा फर्ज बनदा है छोटे दे सिर ते हाथ रखना। मैं उस मौके जथे विच नाल नहीं सा पर इहदा सबूत मुड़ के मैं आप उदों वेख्या जदों जथा नाभे साहब हर साल जांदा सी नाभा साहब चंडीगढ़ दे लागे है हर जेठ की संग्राम तो लै करके हाड़ की संग्राम तक जथा उत्थे जांदा रहा ते अज भी जांदा है। उत्थे एक माता हरबंस कौर जी सन जिहड़े जथे की सेवा करदे मैं इत्थे उन्हां दी एक घटना तुहाडे नाल सांझी करां शायद साडे काम आ जाए। संत बाबा करतार सिंह जी खलोते सन ते संत बाबा करतार सिंह नूं माता हरबंस कौर अपना पुत कहिंदी सी पुत संत जी उहनूं माता जी कहिंदे सन असीं खलोते सां ते माता हरबंस कौर जी संत बाबा करतार सिंह खालसा नूं कहिण लगे पुत असीं चिखा ते पईआं होईए ना ते साडा चिखा ते पई दा इतवार वी ना करीं। ये मेरे अपनी सामने की गल मैं किसी को सुनी सुनाई नहीं कह रहा भाव की असी चिखा ते भी पाए तो पता नहीं कदों बकार साडे ते आ भी हो जाए इहदे विच अनडायरेक्ट इहदा भाव यह सी इहदा अंतरीव अर्थ यह सी। तो गुरमुखो संत बाबा गोबिंद सिंह खालसा जी ने जिंदगी प्रजंत गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की सेवा की आप अमृत छकिया होरना छकया और उन्होंने 1300 पाठी बनाए 200 ज्ञानी प्रचारक बनाए ये उन्होंने महापुरुषों की कौम नू देन है। इस करके मैनू हुक्म होया मैं उन्होंने जीवन चो कुछ विचार थोड़े नाल सांझियां कीतियां ने पर वड्डियां दी गल छोटियां तो कही नहीं जांदी पूरियां दी गल अधूरियां तो हुंदी नहीं। मैं मन करके उन्हों नमस्कार करदा और मेरी निजी जीवन दी घटना कि मैं इत्थों कतल हो गया मेरी किसी पग ला दी मेरी पिंड दी पंचायत ने आखिया कि साढ़े पिंड दा भुजंगी फस गया ते कहिंदे कोई नहीं गुरमुखो गुरु भली करेगा उहदा वाल विंगा नहीं होएगा। मैनूं 10 साल सज़ा हुई हाई कोर्ट ने सज़ा मेरी जिहड़ी सी बार रखी अपील रद्द हो गई लेकिन उहनां महापुरशां दे बचनां दी ताकत तुसीं जाके कागज़ कढ़ा के वेख सकदे हो जेल वालियां ने मेरी सिफारिश कीती भी इह बंदा जेल दे योग नहीं इहनूं गलत फसाया गया ते जे गलत अनसरां 'च रहा ये गलत हो सकता तो मैनू जेल वालिया ने गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट दे के रिहा किया। ये मेरी निजी जीवन की घटना कि उन्होंने बचना में कितनी ताकत सी हाई कोर्ट के सैशन जज का फैसला उन्होंने बचना के नाल झूठा हो गया। सरकारी कागजात कोई बंदा जिहड़ा जिहड़े किंतू करन वाले ने वो जाके तस्दीक करन भी इस तरह होया कि नहीं होया ये उन्होंने एक प्रताक करा बात मेरे अपने जीवन के वापरी ते जदों कथा करते सन ते स्रोतियां दा मन उन्हां दी मुट्ठी च हुंदा सी मैं विशेष तौर पर उन्हां दे कोल एक चीज वेखी है मैं उदों बच्चा सन साडे पिंड महापुरश कथा करन जांदे ने
उन्होंने कथा की सी मां लाली प्यो लाला मेरा मेरा नाऊ सुभागा उदो मैं 7 साल का सी 62 साल हो गए मैनू कथा अज भी चेते है हूँ मेरी 69 साल ये 62 साल पहला मैं कथा सुनी उन्होंने को राजे वराड़ की कथा उन्होंने शाम को की मैं वह भी अज चेते है भाव कि उन्होंने तर्जे बयानी के इनी ताकत सी इनी सत्या सी इन्ना बल सी और वह गुरबाणी किन्ने गुणूत सन विद्यार्थियों ने जो महापुरशा ने बराजना ना तो पोतियां प्रकाश करके कोल वेखना तो 18-18 अंक महापुरश मूह जबानी बाणी दे पढ़ जाते सन सुत्या प्या भी जिहड़ी मैं बेनती कर लगा संत जी जदों वह गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह महाराज की हजूरी कथा कर जाते सन मैं अपने तौर पर वेख्या उन्होंने को ठंडी हवा आती सी ठंडी हवा आती सी मेरा निजी अनुभव है असी उन्होंने महापुरशों चेते करते हैं उन्होंने जीवन तो सानू भी प्रेरणा मिले जिमें मैं बेनती की थी कि सत को संत हों संतोख हों गुरु बाबा साढ़े ते भी कृपा करे साढ़े अंदर सत वरते असी संतोखी होइए तो उन्होंने याद किया ही फायदेमंद है जे साड़ी जबान ते सत नहीं जे साड़े पले संतोख नहीं तो मैं समझदा सी कथा नहीं की असी केवल कलाकार हाँ कथा नहीं की गुरु बाबा साढ़े ते मेहर करे तुसी अरदास करो कि साड़ी कौम के धार्मिक आगू जेड़े धर्म की गल करते हैं वह विखाले मात्र ना आन उन्होंने कहनी ते कथनी एक होवे गुरु अगे अरदास करो गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह का धनवाद गुरु के संगतां का धनवाद पुलां चुकां दी माफी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।